तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके। जो पहला वाला दो वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, 50 तक कंप्लीट कर दिया हूँ, आज 51 से स्टार्ट करेंगे। जो शिफ्ट था 3 नंबर और जो डेट था अगस्त 9 तारीख को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 का। देखिए आर्गूमेंट और एजम्पशन दिया हुआ है, ऑल गर्ल्स लव रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। सारे गर्ल नॉवेल पढ़ना पसंद करती है। नॉवेल आर द ओनली रीडिंग मटेरियल्स, इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नहीं, नो गर्ल लव्स टू रीड अदर मटेरियल्स, ये भी इनके साथ संबंध नहीं है, ठीक है। जो आर्गुमेंट एजम्पशन रहता है, ठीक है, या खुद का दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, जो रहता है आर्गुमेंट उस हिसाब से एजम्पशन करना है। इस सेंटेंस के साथ ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, उसी हिसाब से जो है 1 2 कोई भी इम्प्लिसिट नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए बाई, यहाँ पे दिया है ब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 60 60। ये देखिए जो पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री रहता है, ठीक है, तो वही यहाँ पे दिएगा, बाई का ब्रॉड हुआ है, 60 का 60 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दिया हुआ है वाटर इमेज दिया हुआ है, देखिए तो वाटर इमेज हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक मिरर रखा हुआ है, तो वाटर इमेज नीचे होगा, तो मतलब जो व्हाइट पोर्शन है नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये फुला वाला है नीचे फुला वाला आ जाएगा, ठीक है। तो बी होगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक से कीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, इन द गिवन इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS ओनली व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर डैश ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड मतलब कोई भी एक साइड में इंटरचेंज करना है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 5 2 5 3 7, ठीक है, 6 4 4 7, तो कोई भी एक साइड में आपको इंटरचेंज, यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है देखिए 6 और 4 इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे बैठा के देखना है, और ये जो फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है वो है BODMAS फार्मूला, इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर किया गया है। तो 6 और 4 यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 प्लस 3 इंटू 6 का जगह 4 माइनस 4 का जगह 6 डिवाइडेड बाई सॉरी डिवाइड 2, तो इक्वल टू यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 माइनस 10 भाग 2 प्लस 7, ठीक है। तो ये इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे पहला जो है काम है भाग का हो जाएगा, उसके बाद गुणा का हो जाएगा। तो एक ही बार मैं कर देता हूँ, 5 प्लस 12 माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 से 3 चला गया तो 14 हो जाएगा। और इधर देखिए राइट साइड में क्या हालत है, 10 से 2 भाग दिया मतलब 5, और ये माइनस है 5, और 12 12 माइनस 5 प्लस 7, तो 19 से 5 बाद मतलब 14 हो गया, ठीक है। तो आंसर मेरा मिली है, तो ये करके देखना है, तुरंत तुरंत करना है, इसका और कोई प्रोसेस नहीं है। ये BODMAS किन मतलब कौन सा साइन का काम पहले करना है, बस यही देखना है आपको। फिर देखिए करंट अफेयर दिया हुआ है, एज ऑफ फेब्रुआरी 2018 हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, हु इज ऑल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, तो है के चंद्रशेखर राव। समझने का कुछ नहीं है, बस याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एन अर्ली इंडियन फिलोसोफर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ डैश बेसिक एलिमेंट, तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग जो पुराण के हिसाब से 5 थिंग होता है हमेशा, बंगला में पंचभूत बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है वो पंचभूत है, वो है देखिए मैं बता रहा हूँ, एयर फायर वाटर अर्थ इथर, इथर मतलब स्काई होता है, एयर फायर वाटर अर्थ स्काई, तो ये 5 चीज़ को पंचभूत बोलते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। उनका बाद ये फाइंड द पोजिशन ऑफ ए इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, तो यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा कॉन्केव मिरर बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे फोकस एफ और सेंटर है सी, ठीक है, और ये मिरर का सेंटर है
इसका मैं देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है यहाँ पे, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका जो ये बनेगा कहाँ बनेगा देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस साइड में और यहाँ पे सेंटर होके एक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर से एक जाएगा। तो ये मेरा बन गया है, जो है यहाँ पे बन गया है। तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना हुआ ये देखिए, ये दर्पण का ये सम्मुख है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ओ बी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ओ डैश बी डैश, ठीक है, पीछे बना हुआ है। तो मेरा नोट्स पे ये भी अच्छे से दिया हुआ है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रहने से फिगर कैसा बनेगा और फिगर का टाइप क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ थ्री ग्रुप्स कुड बी फॉर्म यूजिंग ए गिवन फोर फिगर्स ओनली वंस दीज ग्रुप्स वुड बी, तो देखिए तीन ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के साथ क्या क्या डिवाइड करेंगे। देखिए एक का जो है, एक के साथ देखिए डबल डबल दिया हुआ है, डबल रेक्टेंगल, डबल ट्राइंगल, डबल रॉम्बस। तो एक पाँच सात एक ग्रुप बन गया, दो चार आठ एक ग्रुप बन गया और तीन छः नौ एक ग्रुप बन गया, तो आंसर हो रहा है चार, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, थोड़ा देखेंगे तो हो जाएगा, तीन ग्रुप बन जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ केल्विन, केल्विन के केल्विन में जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस के साथ प्लस 273 ऐड कर देंगे हमेशा। तो 273 प्लस सी 273 प्लस 78 करेंगे तो 351 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर होगा ये। 60 देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स काजीपट हैज एट 5 AM, ये मान लीजिए काजीपट है, एंड रिचेज बेंगालोर एट 3 PM, ये मान लीजिए कि बेंगालोर है, एक ट्रेन यहाँ से जा रहा है इधर, ये कहाँ 5 बजे से स्टार्ट किया था और 5 AM से, सॉरी 5 AM से 3 PM, तो कितना टाइम लगा है इनका, ये लगा है 3 घंटा और इधर 7 घंटा, 10 घंटा लगा है टोटल। और इधर से फिर एक ट्रेन बेंगलोर से आ रहा है काजीपट की तरफ, जो कि 5 PM में घुसा है, ठीक है। और ये क्या कितना बजे छोड़ा था, 5 AM पे छोड़ा था, लेकिन ये कितना बजे छोड़ रहा है, 7 AM पे छोड़ रहा है। तो आप क्वेश्चन बोला कि दोनों ट्रेन कहाँ मीट करेगा, व्हेन डू टू ट्रेन मीट, एज्यूम द ट्रेन ट्रेवल्स एट इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों का स्पीड इक्वल है, क्योंकि ये भी 10 घंटे में जा रहा है, ये भी 10 घंटे में जा रहा है। तो पहला क्या होगा, कौन स्टार्ट किया, इधर से, ठीक है, काजीपेट से जो स्टार्ट किया, ये 5 बजे से स्टार्ट किया, ये 7 बजे से, मतलब 2 घंटा, ये 2 घंटे में कितना चला गया, यहाँ पे मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ठीक है, मान लीजिए जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, तो 10 घंटा लगा है, तो 2 घंटे में कितना ये चला गया, 2 किलोमीटर चला गया। फिर दोनों एक साथ स्टार्ट किया, तो 10 में और कितना बचेगा, 8 है यहाँ पे, मान लीजिए 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर दोनों का इक्वल वेग है, ये 4 जाएगा इधर से, 4 आएगा, ठीक है, तो 4, तो इधर 4 और 2 6 और इधर 4, तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, 6 और 4, तो 6 घंटा बाद मीट करेगा। तो काजीपेट से जो निकला है वो 6 आवर बाद मीट होगा, ठीक है। तो 6 आवर बाद कितना टाइम हो जाएगा, देखिए 5 बजे से शुरू किया है तो और 6 घंटा जोड़ लीजिए तो 11 बजे, दोपहर 11 बजे को मीट करेगा। व्हाट इज़ ए टिशू, टिशू क्या होता है, सेल व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, इसको टिशू बोलते, बायोलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है, समझने का कुछ नहीं यहाँ पे। ये सर्टेन कोड UNGIMMICKY इज रिटन एज MIZNUYKCIM, तो उस हिसाब से इसको लिखना है। तो ये बहुत आसान है, देख के आपको करना है इसको, यहाँ से 2 भाग कर दिए, 2 भाग का इधर से लिखिए कुछ, इधर से लिखिए कुछ, इस टाइप का आ रहा है देखिए, ठीक है, 2 भाग कर देंगे तो पहला LPMOC इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इधर वाला पार्ट हो गया, और इधर वाला पार्ट जो है देखिए EXICTY, ठीक है, ये हो गया आंसर।
तो लॉजिक समझ में आ जाएगा तो ये कोई बात नहीं है, तुरंत तुरंत हो जाएगा। तो एक पाइप देखिए, पाइप सिस्टम का हमने दिया हुआ है, पाइप ए बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स, दे वर्क टूगेदर फॉर 4 आवर एंड बी स्टॉप एंड ए कंटिन्यू फिलिंग द टैंक विच फुल। तो देखिए दोनों एक साथ कितना में कंप्लीट कर सकता है, 10 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। तो मेरा जो नोट्स में फार्मूला है उस फार्मूला के हिसाब से ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 10। ओके, द वर्क टूगेदर फॉर 4 आवर, अच्छा 10 घंटे में कितना पूरा काम कर लिया, तो यहाँ पे 4 घंटे में कितना काम करेगा, 4 बाई 10, 4 बाई 10 हो गया 2 बाई 5, ठीक है 2 बाई 5 करेगा काम। देन बी स्टॉप एंड ए कंटिन्यू, बी स्टॉप कर दिया, बाकी काम कितना काम बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द काम कितना है, 1 माइनस 2 बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 5। ये 3 बाई 5 कौन काम किया है, वो काम किया है ए, पूरा काम किया है। इट टुक्स टोटल 13 आवर्स, टोटल कितना टाइम लगा है, 13 आवर्स लगा है टोटल, कितना काम करके चला गया, 4 घंटा करके चला गया था। तो ए कितना टाइम काम किया, ए काम किया मान लीजिए कि 13 से 4 घंटा निकाल दीजिए 9 आवर्स, ठीक है। तो ए 9 आवर्स में कितना काम किया, 3 बाई 5, 3 बाई 5 किया 9 आवर्स में, तो पूरा काम कब करेगा, 9 इंटू 5 बाई 3, 3 3 चला गया यहाँ पे, 5 इंटू 3 या 15 आवर्स, तो 15 घंटा में पूरा काम कर लेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एज ऑफ फेब्रुआरी 2018 हु इज़ द हैदराबाद बेस्ट आईपीएल टीम, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। जो कौन ओनर था, तो ये था कलानिधि मरण, ठीक है कलानिधि मरण था। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इस बार ये तो नहीं आएगा, इस टाइप का दूसरा आ सकता है। तो एक पाई, एक चार्ट दिया हुआ है देखिए, पाई चार्ट। तो टोटल प्रोडक्शन इज 9000 टन, 9000 टन टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 80, 100, 40, 140। तो यहाँ पे दिया हुआ है द यील्ड ऑफ राइस इज, द राइस का कितना होगा, देखिए राइस 40 है, यहाँ पर देखिए परसेंटेज या कुछ नहीं दिया हुआ है, बस यूनिट दे दिया है 40। 40 कितने में से 40 है, 140, 40, 100, 80 में से 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9000 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा राइस का, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 9000, और यहाँ पे जो होगा देखिए 80, 180, 220 और यहाँ पे 140, 320, 360। तो यहाँ पे 0 0 चला गया, 4 इधर 9 आ गया, 9 को इधर काट देंगे तो 1000 आ जाएगा आंसर, ठीक है 1000 होगा। द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस इन द ईयर 1905, ठीक है 1905 में बंगाल का फर्स्ट पार्टीशन हुआ था। आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम, लीव्स, ठीक है। ये भी मेरा बायोलॉजी नोट्स में दिया हुआ है अच्छे से, तो देख लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है, ठीक है ये होता है रूट्स के द्वारा होता है, स्टीम के द्वारा और लीव्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच इंडियन ऑथर हैज क्रॉनिकलेड द लाइफ इन द कुमायून हिल्स इन द बुक थिंग्स टू लिव बिहाइंड, वो है नमिता गोखले, ये बुक लिखा था। देखिए करंट अफेयर्स का है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स ये याद नहीं रखना है, जिस टाइम का है उसी टाइम का याद रखना है। यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ सिंबल दैट आर प्रेसिडेड बाय ए लेटर
एंड नॉट फॉलोड बाई ए नंबर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो क्या क्या सिंबल है देखिए, सिंबल का ये बोल रहा है कि पहले लेटर रहेगा लेकिन बाद में नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला सिंबल देखिए जो दिया हुआ है डॉलर सिंबल दिया है, पहला लेटर है लास्ट में नंबर है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर नॉट बोला है। सेकंड देखिए परसेंटेज जो है पहले नंबर है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हैश जो दिया हुआ है, पहले लेटर है फिर नंबर है, ये भी नहीं होगा। एंड जो दिया है देखिए पहले नंबर है, नहीं होगा। इक्वल जो दिया है पहले सी है बाद में नंबर है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, पहले थ्री है। और डी का देखिए, डी का नहीं, यहाँ प्लस का देखिए पहले जो है डी है अब, ठीक है, लेटर है, और बाद में के है, ये भी लेटर है, ये नंबर नहीं है, तो एक ही आ रहा है मेरा, ठीक है, एक आ रहा है ऐसा जो प्लस है। तो ऐसा सिंबल कौन सा, कितना है, एक है, तो आंसर हो गया एक। 70 के देखिए, ए पर्सन होल्डिंग ए पेन इन हिज लेफ्ट हैंड एंड सी हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर होल्डिंग द पेन इज इन राइट हैंड, दिस इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो ये हमेशा मिरर के सामने हम लोगों के साथ भी होता है, हम लोग दाएं हाथ से कुछ करते हैं तो लगता है कि बाएं हाथ से कर रहे हैं, तो ये है लेटरल इन्वर्सन, ठीक है, लेटरल इन्वर्सन हो जाता है, ठीक है। जो एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा रहता है तो अलग लिखा रहता है, तो इसीलिए ये भी ये सेम मतलब कॉज है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी विथ मास एम इफ इट्स स्पीड इज डबल फ्रॉम वी टू टू वी, ठीक है, तो इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी विथ मास एम इट्स स्पीड इज डबल वी टू टू वी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो पहले काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पे ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर था, सेकेंड में क्या हुआ ई के टू वन कर देते टू कर देते टू क्या हाफ एम तो सेम रहेगा हर जगह, टू के जगह टू वी हो जाएगा टू वी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम इंटू फोर वी स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर बाहर निकाल लेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये हो गया ई के वन, ठीक है, तो फोर इंटू ई के वन ये वाला आंसर हो गया। बहुत ही ईजी है, थोड़ा समझना है बस। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 28% ऑफ ए नंबर 35, व्हाट इज़ द नंबर। तो इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए 28% हो गया 35 बाई 28 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125, ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल द करेंट गेट्स हाफ, दिस इज बिकॉज देखिए ये वाला है आई इक्वल टू वी वाई आर। जो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मैकेनिकल का या दूसरा स्टूडेंट है उनको समझ में उतना आसानी से तो नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा, ओम्स का लॉ जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज साइन अप द होस्ट ऑफ 39th नेशनल गेम इन द ईयर 2022। ये मेघालय, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिएगा। 39 नेशनल गेम 2022 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मेघालय इनको साइन किया है, ठीक है। इन हुई सिटी इज सेंट टर्स बेसिलिका वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेस इन क्रिश्चियनिटी लोकेटेड, तो ये हो गया माद्रिद, ठीक है, ये भी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स कुछ ही बता सकते हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो मेरा नोट्स आपको लेना पड़ेगा, तो नोट्स के साथ पीडीएफ भी मैं दे दिया हूँ, टोटल 30 सेट है, और कैसे ख़रीदना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे।